मधुबन कोल वाशरी आंदोलन मामले में बागमारा भाजपा समिति ने जलेश्वर महतो पर किया प्रहार। मधुबन कोल वाशरी में मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर बागमारा युवा कांग्रेस एक तरह अनिश्चितकालीन धरना देकर आंदोलन पर है, वहीं दूसरी ओर भाजपा मांगों को गलत बताते हुए बागमारा में प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा नेता बच्चू राय एवं खानुड़ी मुखिया, जो मधुबन कोल वाशरी की मजदूर कमेटी के सदस्य भी हैं, गोपाल महतो ने कहा, पूर्व विधायक जलेश्वर महतो का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, जो वर्तमान बागमारा विधायक ढुल्लू महतो को रंगदारी का नाम लेकर बदनाम करना चाह रही हैं। उन्होंने एक पत्र को जारी करते हुए ये दावा किया कि मधुबन कोल वाशरी में 1999 में जो समझौता हुआ था उसमें जलेश्वर महतो की कोई भूमिका ही नहीं थी। साथ ही ये भी कहा कि वर्ष 1999 में ही प्रबंधन ने साफ तौर पर पत्र देकर कहा कि मैनुअल लोडिंग मधुबन कोल वाशरी में नहीं हो सकता, वहां पेलोडर लोडिंग करने का पत्र दिया गया था। इस पेलोडर लोडिंग से खानुड़ी माटीगढ़ा बागमारा के बेरोजगार युवकों को रोजगार का साधन है, जिससे लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, मगर कांग्रेस के लोग रंगदारी की बात कहकर अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए मजदूरों को गुमराह कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। वहीं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा प्रखंड अध्यक्ष ने जलेश्वर महतो द्वारा विधायक ढुल्लू महतो के प्रति उल जलूल बयान दिए जाने पर बागमारा भाजपा समिति ने चेतावनी भी दी है। आगामी 14 जनवरी तक जलेश्वर महतो अपने झूठे भाषणबाजी को लेकर सामूहिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे तो भाजपा उनका पुरजोर विरोध करते हुए उग्र आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर में आक्रोश व्यक्त करते हुए यही कह रही है कि उनके बढ़ते उम्र के तकाजा में वो हमेशा गलत वाणी उनके मुंह से निकल जाता है, और जो एक सम्मानित विधायक हैं उनके प्रति वो जो अमर्यादित रूप से उनके नाम को तोड़ मरोड़ करके अपहरण करके बोला जाता है, हमारे सम्मानित विधायक जी के नाम को जो है सो नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा शब्द बोला है जो गाली देने लायक जैसा शब्द का प्रयोग किया है, और उनका यह बढ़ते हुए उम्र में मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मधुबन वाशरी में जब 1999 में ही जब हुई थी वार्ता, उसी समय हो गया था कि मशीन से लोड होगा, और उस आंदोलन में जलेश्वर महतो जी भारतीय जनता पार्टी जब आंदोलन चलाई थी, तत्काल उसमें गठबंधन पार्टी समता पार्टी था, जलेश्वर महतो जी थे, उनको भी जानकारी है। आज वो मजदूर से लोडिंग कराने नहीं आए हैं, जो सुचारू रूप से चल रहा, जो बेरोजगार वहाँ का जी खा रहा था, उसको डिस्टर्ब करने के ख्याल से वो आए हैं। चलिए अगर वैसा बात है तो यहाँ प्रशासन SP DSP थानेदार हैं, DO वाला है, आप पत्रकार बंधु हैं, सभी जा करके गहन निरीक्षण करिए कि क्या वहाँ रंगदारी लिया जाता है। आज तक तो ये बात नहीं उठा था, वो रंगदारी वसूलने के लिए खुद गए हैं और आरोप वहाँ के लोगों पर मर रहे हैं। उसमें है कि जब पेलोडर करने के बाद बहुत सारा लेबलिंग का कार्य होता है और बहुत माल जो है सो इधर उधर यदि यत्र तत्र हो जाता है, उसको एकत्रीकरण का कार्य मजदूरों के द्वारा करवाया जाता है, तो उसमें मजदूरों को उसका जो मेहनताना है वो मिलता है। का मनसा है रंगदारी हिस्सेदारी, इनका मनसा यही है, और किस प्रकार से एक जो चल रहा है वह अव्यवस्थित हो जाए, वह व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, वहां उनका मनसा व्यवस्था को ध्वस्त करना है। रणनीति भाजपा यही मांग करती है कि वो मकर संक्रांति से पहले सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। जलेश्वर महतो जी वो सार्वजनिक रूप से विधायक के प्रति जो मर्यादित और जो कुसंस्कारित अपने कुसंस्कार का प्रदर्शन किया उसका माफी मांगे, नहीं तो हम लोग गांव गांव जा करके उनके कुसंस्कार की भाषा को लोगों के बीच में रखेंगे और उन्हीं लोग को फैसला करने बोलेंगे कि ऐसे राजनीति वाले का बहिष्कार करें।